आपका ये वाला बोन्ड सी सी और ओ का बोन्ड ब्रेक होता है तब इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल ठीक है देखिए क्या है कि जैसे है है अगर मैं के साथ फॉर करा रहा हूं, कोई भी है, तो ये लोन पेयर है इन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से सबसे पहली बात तो इट बिहेव एज अ न्यूक्लियो फाइल ठीक है और जो फर्दर रिएक्शन होती है और ये एच बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो उस केस में न्यूक्लियो फाइल के केस में होता है पहली बात तो वो न्यूक्लियो की तरह एल्कोहल क्यों बिहेव कर रहा है, the, अब होता है? करते है तो बोन्ड ब्रेक हो जाता है तो न्यूक्लियो फाइल हो गया अगेन जब आप इलेक्ट्रोफाइल के के केस में देखते हो इलेक्ट्रोफाइल केस में क्या हो जाएगा अगेन जैसे आर सी एच टू ओच है अब इसको मैं अगर मैं प्रोटेनेट कर देता हूं Protonate हो क्या होगा ओ एच ठीक है तो आर सी एच टू ओ एच टू पॉजिटिव अब क्या होगा इस केस में सी और ओ बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ आर सी एच टू पॉजिटिव बन गया समझ सवन माइगाइ तो अब क्या हो गया इस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है यानी कि को कोई न्यूक्लियोफाइल फाइल अटैक करता है तो इस पे अटैक करेगा समझ में आया आपको तो बस यही केस है कि ये कैन बी कन्वर्टेड एज अ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ठीक है अब जो दूसरा है कि एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एस सोडियम टू हिड कोरोस्पोडिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन रीजन नहीं है अब देखिए रीजन तो मैंने आपको समझा दिया ये है स्टेटमेंट अब जब इसका स्टेटमेंट समझोगे आपको समझ में आ जाएगा ये रीजन ही गलत है देखिए ये कह क्या, क्या रहा है कि जैसे अगर एल्कोहल को मैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये एल्कोक्साइड और लिबरेट हाइड्रोजन करते हैं दिस इज करेक्ट लेकिन ये रीजन नहीं है करेक्ट क्यों है देखिए जैसे सोडियम के साथ कर दो सोडियम बहुत अच्छा

अब ऐसे ही दो H डॉट मिलकर आपको क्या बना देते हैं एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है ये हो गया लेकिन क्या इसका ये ऊपर जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा इसमें और उसमें कोई लिंक है कि मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए